जैसे हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि विदेश में रहने वाले को जो भी वहां बैठकर पूजा पाठ करता है उसको संस्कार बनते हैं, लेकिन लेखी उसका उसके फलों का लिखा नहीं जाता। इसी तरह ही हम कर्म भूमि में रहकर भी अगर मंत्र नहीं लेते और औपचारिक तौर पर दूसरी विधियां करते हैं भगवान की, तो हमें उसकी योग्यता नहीं होती, अदक्षता अयोग्यता नष्ट नहीं होती, अविधियों से हम बच नहीं सकते। विधियां अग्रसर होकर हमें बढ़ोतरी होकर परमेश्वर तक पहुंचाने का कोई मार्ग भी हमें स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए नाम लेना बहुत जरूरी है। उम्र की 7 साल के बाद लड़का हो या लड़की हो, दोनों बच्चे आपके ही हैं, उसका अगर आप भला चाहते हैं, गवर्नमेंट तो अब हमारे हिंदुस्तान में समानता बताई है, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, श्री दत्तात्रेय प्रभु ने, स्त्री हो वैश्यास्त तथा शूद्रास्त पियंति पराम गति, स्त्री हो या वैश्य वर्ण का हो, शूद्र वर्ण का हो, कितना भी पापी हो तो भी मेरे धर्म का अधिकारी है। क्यों? कि धर्म स्वीकारते हुए तो सब कुछ अगर छोड़ देता है तो वो मेरे धर्म का अधिकारी है। उस धर्मरूप क्रिया से कुछ लोग, पुराने लोगों के ऐसे रीति रिवाज ये भी दिमाग में घुसे हुए हैं कि लड़कियों को नाम नहीं देना चाहिए, पता नहीं किस घर जाएंगी, पराए घर में। अरे जब तक आपके घर में है तब तक उसका बैंक का नाम खाता जो है, नाम स्मरण का, वो खोल दो, कभी ना कभी वो मंत्र उसको काम में आएगा। एक दिन जिंदगी का ऐसा भी होता है जब माँ बाप पति पैसा कुछ भी काम में नहीं आता, उसको कहते अगर अपने पास मंत्र है तो काम में आ जाता है। वो मंत्र जाप कर कर हम उस परमेश्वर को प्रसन्न करके अपने दुख सुना सकते हैं, सुख मांग सकते हैं, या आगे के लिए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए किसी भी माँ बाप ने बच्चे को या बच्ची को, दोनों को ही धर्म का समान अधिकार समझते हुए गुरु मंत्र के लिए बच्चों को प्रेरित करना ही चाहिए। कोई बच्चे कहते हैं ले लूंगा ना ले लूंगा, नहीं, तेरा जन्मदिन मंदिर में होगा, बीड़ा चढ़ाओ, बाबा जी के पांव पड़ो, नमस्कार करो और मंत्र लेकर आज से तुमने ये विधि का स्वीकार करना ही है। आपको ये चाहिए होता है ना, मैं बड़े स्कूल में पढ़ाऊं, इसी तरह इसको ये सबसे बड़ा गुरु शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृत में व्याकरण अगर कोई पढ़ता होगा तो अ और आ दो शब्द होते हैं, स्वर जिसको कहा जाता है। अ मतलब लघु, मतलब छोटा, आ मतलब बड़ा, मतलब बड़े जनों के पास गुरु, उसको गुरु कहा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में शिक्षक जो हैं, टीचर जो हैं, उनको पहले गुरुजी ही कहा जाता था। हमारे धर्म में भी आज जो गुरुजन हैं उनको गुरुजी ही कहा जाता है, क्योंकि वो बड़े हैं, उनकी शरण जाकर आप सबको ये सबके लिए ये फैसला है कि हर एक ने नाम लेना ही चाहिए और नाम के बाद स्मरण भी करना चाहिए। सिर्फ नाम लेके रख ना दे, नाम शुद्ध मालूम हो, नाम अखंड मालूम हो, टूटा फूटा ना हो, नहीं तो पहला गांव का नाम और अवतार का नाम और आखिर में कुछ और, ऐसा भी ना हो। अगर एक भी बिंदी कट जाती है नाम में तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसमें हमें ईश्वर द्रोह का दोष लगता है। इसलिए नाम शुद्ध उच्चारण करके उस नाम स्मरण से अपना जीवन सफल करें, ऐसी शुभकामना करते हुए कल मिलूंगी। श्री दत्ता।